2086 इनको भी कंटिन्यू किया सर। पहली बात तो ये कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है, अगर कोई ऐसी स्थिति है तो हम सालों से रेगुलर नमाज होती चली आ रही है, उसमें रोजाना की नमाज, ईद, जुमा, अलविदा, ये सारी नमाजें होती चली आ रही हैं। लेकिन 3 नवंबर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने नमाज को रोकने का प्रयास किया। इससे पहले 15 जनवरी 2001 को एक गजट हुआ था, उसमें शुक्रवार के बारे में दिया गया था, ना कि अन्य नमाजों के बारे में। और इसके बाद 26 जनवरी 2018 को एक DM के द्वारा आदेश दिया गया था शुक्रवार के बारे में, इसमें भी कहीं अन्य नमाजों के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसी को बेस बनाकर और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए संवैधानिक रूप से नमाज को रोकने का प्रयास किया। जबकि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसमें हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से नमाज पूजा अर्चना कर सकता है। इस संबंध में अभी हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब से बात हुई है और उनका आदेश जो भी हो, सुप्रिंटेंडेंट का आदेश जो भी हो, डायरेक्टर का आदेश जो भी हो, लेकिन नमाज वहाँ पढ़ी जाती रही है और पढ़ी जाती रहेगी। देखिए, अभी तक जो समझा जाता है कि धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को नमाज के लिए जो पहले नोटिफिकेशन हुए हैं, यदि इसमें स्थिति जो समाज का मांग है या समझ है, उसके लिए हम मुख्यालय से उसके लिए क्लेरिफिकेशन मांगेंगे और जैसा आदेश होगा हेडक्वार्टर में उसका पालन करेंगे। अभी बंद क्यों किया गया था, क्या रहा था पूरा? अभी वर्तमान में ये था कि जो पारंपरिक रूप से शुक्रवार को नमाज की मान्यता मानी जाती थी, और लेकिन चूंकि अब तो ये मुद्दा आया है कि क्या शुक्रवार की है या अन्य दिनों के लिए भी उसको रखा गया है, क्योंकि तो वो कहीं भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसके लिए उसको हम मुख्यालय से स्थिति स्पष्ट करने के लिए